तो शिव माने कल्याणकारी, शंकर शंकरोति इति शंकरः, जो तुम्हारा कल्याण करे उसको कहते हैं शंकर। तो ऐसे देवाधिदेव भगवान शंकर, भगवान शिव का चरित्र बड़ा कल्याणकारी। भगवान शिव सुबह हम चर्चा कर रहे थे, वहां तीन 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 है सब, त्रिपुंड है उनका, एक नाम है त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर के शत्रु है त्रिपुरारी, उनके हाथ में त्रिशूल है, वे त्रिगुणातीत है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, ये निर्गुण अगुण है, अगुण अमान मातु पितु ही ना, क्योंकि अजन्मा है इसलिए उनके कोई माता पिता नहीं। तो शिव अनाथ है क्या? नहीं, वो विश्वनाथ है। वैसे जिसके माँ बाप न हो उसको अनाथ कहते हैं, लेकिन शिव ऐसा देव है उसके माँ बाप नहीं लेकिन वो अनाथ नहीं, वो विश्वनाथ। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी बरनत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विविध तुम्हारी। विश्वनाथ निराकार मूंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोपीतमीशं गिरीशं करालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम विभुं व्यापकं
ब्रह्म वेद स्वरूपम्। तुषाराद्रिसंकाश गौरंगभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मालिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुंडलम् रुसुनेत्रम् विशालम् प्रसन्नाननम् नीलकंठम् दयालम् मृगाधीश चरमांबरम् मुंडमालम् प्रियं शंकरम् सर्वनाथम् भजामि नमामीशमीशान् निर्वाण रूपम् बुद्धिं व्यापकम् ब्रह्म वेद स्वरूपम् बुद्धिं व्यापकम् ब्रह्म वेद प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेहं भवामि पतिं भावगम्यं नमामीश मीशान् निर्वाण रूपम् व्यापकम् ब्रह्म वेद स्वरूपम् विभुं व्यापकम् ब्रह्म वेद कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविंदम् भजन्ति हलोके परेवानराणां नतावत् सुखम् शांति संताप नाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् नमामीश मीशान् निर्वाण रूपम् व्यापकम् ब्रह्म वेद स्वरूपम् व्यापकम् ब्रह्म वेद स्वरूपम्। जानामि योगम्।
शिव पूजां न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं जरा जन्म दुःखाघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शंभो नमामीश मीशान् निर्वाण रूपं विभुञ्जापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुञ्जापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुञ्जापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं बोलिए शंकर भगवान की जय हर हर महादेव शिवजी निर्गुण है त्रिगुणातीत है तो त्रिपुरारी है त्रिगुणातीत है त्रिपुंड धारण करते हैं त्रिशूल है हाथ में शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ते हैं वो त्रिदल है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम त्रिदलम तीन पत्तों वाला बिल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ता है त्रिदलम त्रिगुणाकार और बिल्व पत्र जब चढ़ाओ तो उल्टा करके चढ़ाओ ये विधान है मोबाइल में सिम कार्ड डालते हो तो उल्टा यदि डाल दिया मोबाइल ऑन ही नहीं होगा सिम कार्ड काम ही नहीं करेगा तो किस तरह से डालना वो अंदर सिखाया जाता है ना और उसका आकार ही ऐसा बनाया जाता है और उसी आकार में फिट किया जाता है ताकि आप सीधा ही उसमें डालें डायरेक्ट टू होम टेलीविजन अब हो गए हैं आपके तो उसमें वो जो कार्ड है वो सीधा डालो उल्टा डालो तो उसको समझाया जाता है कि भाई इस तरह से डालो लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है फर्क कुछ नहीं पड़ता बोले बाबा तो स्वीकार ही कर लेंगे लेकिन बिल्व पत्र यूं उल्टा करके चढ़ाओ त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम शिवजी त्रिनेत्र है हमने सुबह वाले प्रवचन में देखा सूर्य चंद्र और अग्नि शिवजी के तीन नेत्र है सूर्य शशांक वहनि नयनम और शिव जी से संबंधित तीन बातों की चर्चा कर लूं और सुबह में करी थी कुछ लोग जो सुबह ना आए हों उनकी जानकारी के लिए और जिन्होंने सुना है उनके रिवीजन के लिए शिव का नाम शिव की भस्म और रुद्राक्ष ये शिव जी की त्रिवेणी है प्रयाग है गंगा यमुना और सरस्वती जहां मिलते हैं उसको प्रयाग कहते हैं वो तीर्थराज है तो आप शिवाराधना कर रहे हैं तो आप भी इन तीनों का सेवन करिए शिव का नाम जपिए शिव भभूति से त्रिपुंड लगाइए और रुद्राक्ष की माला पहनिए रुद्राक्ष धारण करिए
शिव जी का नाम गंगा है, शिव जी की भभूति यमुना है और रुद्राक्ष सरस्वती।